डीकेएन जिला नीमच के निवासी हूँ। मैंने सन 1986 में इंदौर विकास प्राधिकरण में ली टेंडर के द्वारा एक प्लाट भूखंड मेरे नाम पे आवंटित हुआ था। स्कीम नंबर 54 का PU3 प्लाट होटल के लिए आवंटित था, वो मेरे नाम पे अलाट हुआ था। इंदौर विकास प्राधिकरण के नियमानुसार उस प्लाट की मूल आवंटित के अलावा किसी अन्य के नाम पे लीज नहीं की जा सकती थी, और जब तक उस पर भवन निर्माण नहीं होता तब तक उसे किसी प्रकार खरीदा अथवा बेचा या किसी प्रकार हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था। ये चूंकि उस वक्त मैं इंदौर से 350 किलोमीटर दूर का निवासी था और आवागमन के साधन भी सीमित थे, इसलिए मैंने अपने एक परिचित तुलसीदास मनमानी को अपना आम मुख्तियार नियुक्त किया उस प्लाट की देखरेख एवं उससे संबंधित शासकीय कार्यों को करने के लिए। तुलसीदास मनमानी और गिरीश मतलानी, पहले श्री कृष्ण मतलानी थे, अब वो स्वर्गवासी हो चुके, गिरीश मतलानी और वाधवानी परिवारों ने मुझे भरोसे में रखकर कि ये प्लाट पे रेशो डील में अपनी होटल बन रही है, होटल निर्माण होने के बाद इसकी लिखा पढ़ी होगी, उससे पहले अपन लिखा पर कोई अनुबंध नहीं कर सकते हैं। अचानक होटल का निर्माण अपने प्लाट के ऊपर हो रहा है, ऐसी स्थिति में अपने को चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जब होटल निर्माण पूर्ण होगा तो अपन इसका जो अनुबंध है वो तैयार कर लेंगे। जब होटल कंप्लीट होने को आया और मैंने उनको बार बार कहा कि भैया अब अपन अपना अनुबंध तैयार कर लें, तो वो टालम टूल करते रहे पहले, फिर उन्होंने डराना धमकाना शुरू करा कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पता नहीं लगेगा अगर तुमने इस होटल का नाम लिया तो। फिर मैंने विजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, उस पर चूँकि ये लोग काफ़ी संभ्रांत और पैसे वाले हैं इसलिए इन्होंने वहाँ मेरा रिपोर्ट का खात्मा करवा दिया। उसके बाद मैंने STF में रिपोर्ट दर्ज करवाई, वहाँ एक अरुण मिश्रा करके SP थे, वो वाधवानी परिवार के काफ़ी निकटस्थ होने के कारण उन्होंने वहाँ पे बिना मतलब जांच किए, बिना मतलब स्थिति को जायजा लिए बिना उन्होंने उसे निरस्त कर दिया। उसके बाद मैंने लोकायुक्त में आवेदन दिया, वहाँ पर भी अरुण मिश्रा का ट्रांसफ़र हो गया था तो उन्होंने वहाँ पे भी इसको बिना फाइल देखे उस पर सुनवाई करे उसको उसका खात्मा करवा दिया। उसके बाद मैंने UOW में आवेदन दिया, UOW में मेरे आवेदन के ऊपर दिनांक 26/10/2019 को वो प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें तुलसीदास मनवानी, गिरीश मतलानी, चांदनी देवी मतलानी और तुलसी हिना वाधवानी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120B और भारतीय दंड विधान की धारा